Hello dear students, today we are going to learn an interesting chapter. It is very short and simple, okay? Which is Sankhya. Sankhya means number. सबसे पहले इसका reading सीखेंगे. देखो ये ड नहीं है. First video जो मैंने upload किया था उसमें मैंने आपको alphabet सिखाए थे, तब ये symbol उसमें आपको दिखा होगा, ठीक है? तो इस symbol को हमें कैसे लेना है, ये जो सिंबल है वो स के ऊपर डॉट हो उस तरीके से हमें रीड करना है. अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं. रीडिंग के लिए हमें ऐसा लेना है इस सिंबल को, संख्या. ओके, सो वी विल प्रोनाउंस इट एज संख्या, नॉट सडंख्या, ये ड नहीं है, संख्या. ओके, एंड यू आर गोइंग टू लर्न 1 to 12 नंबर्स. ओके, सी 1 to 12 नंबर्स. In 7th standard you will learn 1 to 50 numbers and in 8th standard you will learn 1 to 100 numbers. Okay, so at first you all have to remember this 1 to 12 numbers. Okay, these numbers are very basic for your next study. Okay, so 1 से लेके 12 तक के नंबर आपको इतने अच्छे से याद रख लेने, फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको उससे आगे याद रखना है. इसलिए वैसे इसमें कुछ ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो हम सीख लेते हैं. ओके, सो वी विल रीड इट एकम देन द्वे. ओके, ये जो है वो द और व दोनों से बना, इसलिए द्वे. त्रीणी, चतवारी मीन्स फोर. पंच, फाइव. षट, सिक्स. सप्त, सेवन. अष्ट, एट. नव, नाइन. दश, टेन. एकादश, इलेवन. एंड द्वादश. सी, ये टेन के बाद जो इलेवन नंबर बनता है हमें पता है कैसे बनता है, टेन प्लस वन, इसलिए एकादश. ठीक है, वन को एकम कहा था हमने ऊपर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करके वर्ड बनाए एकादश. द्वादश में भी सेम, टेन प्लस टू, इसलिए टू मीन्स हमने ऊपर देखा था द्वे, तो उसका यहाँ पर द्वा बन गया और दश यानी कि टेन. सो द्वादश, इस तरीके से नंबर बनाया जाते हैं संस्कृत में. ठीक है, फिर आ जाएगा थर्टीन, वो सब तो त्रयोदश, चतुर्दश वैसे, बट यू विल स्टडी दिस नंबर्स इन नेक्स्ट स्टैंडर्ड. ओके, यहाँ पर सिर्फ आपको फर्स्ट से ट्वेल्थ तक के नंबर याद रखने हैं और इसी नंबर से सी यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस है आपकी, उसी तरीके से वर्कबुक की भी एक्सरसाइजेस है, बहुत ईजी एक्सरसाइजेस है. इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको 1 से 12 तक के नंबर याद रखने हैं, तो पूरा चैप्टर आपको याद रह जाएगा, सारी एक्सरसाइजेस आपको आएगी. यहाँ पर जो पिक्चर्स दी है वो मतलब सिर्फ सिखाने के लिए दिए, सिखाने के थ्री नंबर है तो थ्री पिक्चर्स है, चार है तो फोर है, इस तरीके से. ओके, सो इस वीडियो में हमें सिर्फ ये नंबर ही सीखने और कुछ नहीं, और जो वर्कबुक के एक्सरसाइजेज हैं के वो आपको असाइनमेंट में यानी कि होमवर्क में मिल जाएगी. अगर वर्कबुक के एक्सरसाइज में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क मी पर्सनली.